छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में दो दिन से जारी नाइट कर्फ्यू प्रभावी होता नहीं दिख रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4,617 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, वहीं 25 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की सिफारिश पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक लॉकडाउन लगाने का अधिकार कलेक्टरों को दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक और चिंताजनक खबर आई है। प्रदेश में कोरोना वायरस ने म्यूटेट होकर रूप बदल लिया है। अब तक 5 नमूनों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इसके असर के बारे में डॉक्टरों को कोई जानकारी नहीं है। अंदेशा जताया जा रहा है कि नया वेरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करने में सक्षम है। इसे N440 नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर डराने लगी है। 24 घंटे में 2,546 संक्रमित केस मिले हैं, 12 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा 6 महीने में सबसे ज्यादा है। बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, रतलाम में 2 से 3 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। नीमच में संडे लॉकडाउन रहेगा। पलिया कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां किराना कारोबारी सत्यदेव शर्मा ने पत्नी, बेटे और बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। बाद में उसने खुद भी फांसी लगा ली। घटना का पता तब चला जब सुबह 9 बजे दूध वाला घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जवाब न मिलने पर उसने पड़ोसियों को सूचना दी और फिर पूरा मामला सामने आया। ग्वालियर में 2 लुटेरी दुल्हनों का कारनामा सामने आया है। दोनों उज्जैन की रहने वाली हैं। दोनों ने 3 महीने पहले कपड़ा व्यवसायी के 2 भाइयों से शादी की थी। 2 महीने बाद ही घर से 8 लाख रुपए के गहने और 7 लाख रुपए लेकर फरार हो गई थी। पीड़ित व्यवसायी ने बिलौआ थाना में दोनों बहुएं, उनके भाई संदीप मित्तल, रिश्ता कराने वाले समेत अन्य 6 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार का जोर अभी मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन और कंटेनमेंट जोन पर है। इधर कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय, देवेंद्र यादव, युवा कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध हरितवाल आदि ने लॉकडाउन की मांग शुरू कर दी है। भिलाई में भीड़ की वजह से कोरोना स्प्रेड अधिक हो रहा है और इसे कंट्रोल करने के लिए भिलाई और रिसाली निगम प्रशासन ने सिविक सेंटर की चौपाटी समेत 8 साप्ताहिक बाजारों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। निगम प्रशासन ने ऐसे बाजार जहां लोगों के द्वारा ज्यादा संख्या में खरीदारी की जा रही है और जहां भीड़ नियंत्रण नहीं हो रही है, COVID-19 की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसे बाजारों और मार्केट को बंद करने का तत्काल आदेश निगम प्रशासन ने जारी कर दिया है। कोरोना की रफ्तार फिर डराने लगी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2,546 संक्रमित केस मिले हैं। यह आंकड़ा एक दिन में 6 महीने बाद सामने आया है। इससे पहले 17 सितंबर 2020 को 2,552 पॉजिटिव केस मिले थे। पिछले एक माह में 35,624 लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। यह फरवरी की तुलना में 5.34 गुना ज्यादा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से 18 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी का गढ़ रहे मारवाही में पिछले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसके बाद से कांग्रेस का फोकस मारवाही पर रहता है कि अब इसे हाथ से ना जाने दिया जाए। दरअसल गांव में जब नया तालाब बनने की शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने इसका नाम मुख्यमंत्री के नाम पर भूपेश तालाब रख दिया। इधर इस पर अमित जोगी ने कहा है कि प्रदेश के सभी शराब दुकानों का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखना चाहिए।
आग लगने से खेत में खड़ी फसल जलने से सदमे में किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। घटना दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र के ग्राम चिलौट टपरिया की है। सूचना के अनुसार बेदी उर्फ कुदूराम पिता राम सिंह चिलौट टपरिया के खेत में गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी। 2 से 3 दिनों में फसल की कटाई करने वाले थे, लेकिन बुधवार शाम अचानक फसल में आग लग गई।